देखेंगे, अब सीएम इब्राहिम साहब सीनियर लीडर है, हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में बने रहें, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े। इब्राहिम साहब हमारे साथ रहेंगे ये मुझे भरोसा है। हमें ये सोचना है कि बीजेपी को, फिरका परस्त ताकतों को हम कैसे हराएं, तो ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि पूरे मुल्क को इसका खामियाजा भी बताना। देखेंगे, अब सीएम इब्राहिम साहब सीनियर लीडर हैं, हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में बने रहें, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। मुझे उम्मीद है कि वो रुकेंगे। 14 तारीख डेडलाइन दी थी उन्होंने, कहीं ना कहीं जो है वो अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है। यही मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हम सब मिलकर बीजेपी के और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम हमें छेड़नी है। इब्राहिम साहब हमारे साथ रहेंगे ये मुझे भरोसा है। माइनॉरिटीज लीडर को नज़रअंदाज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, यही उनका कहना है। ऐसा भी नहीं कि पार्टी नज़रअंदाज पूरी तरीके से कर रही है या जो वो बोल रहे हैं वैसा ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। आज यूटी खादर अब डिप्टी लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी हैं, सलीम अहमद साहब वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। हमेशा से हमें पूरी आज़ादी, पूरी तरक्की करने का मौका हमें मिला है, और आज जो है हमें ये सोचना है कि बीजेपी को, फिरका परस्त ताकतों को हम कैसे हराएं, ना कि मुझे क्या मिला या किसी को मिला नहीं मिला, इससे ज़्यादा बीजेपी को आज बरसर इख्तदार से नीचे लाने का काम अगर हमने नहीं किया तो ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि पूरे मुल्क को इसका खामियाजा भी होगा।